प्रकार के जो फर्क थे उस सदी में, उस दौर में, सारे देखने मिलेंगे। जैसे जाति के आधार पर, जैसे आपने कहा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ऊंच नीच जो थी समाज में, इन सारी चीज़ों के खिलाफ कैसे अनिरुद्ध अपनी तरीके से आवाज़ उठाता है और बौद्धता अपने तरीक़ों से सवाल पूछती है तर्क वाले, और कैसे उन चीज़ों से हम जूझ कर उन्हें ऊपर, उनके ऊपर उभरते हैं। जी, तो ये शो चाइल्ड मैरिज के बारे में है ही नहीं। ये एक मतलब जो अनिरुद्ध और बौद्धता का रिलेशन है, वो एक लड़की, एक छोटी बच्ची जिसे बहुत सारे सवाल आते हैं और उसे जवाब देने वाला एक इंसान मिल जाता है, और अनिरुद्ध बस एक मेंटर है बौद्धता के लिए, सिर्फ मार्गदर्शन देने वाला इंसान है जो उसे सपोर्ट करता है, और तब जाकर बौद्धता बैरिस्टर बाबू बनती है। तो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना, कैरेक्टर ऐसा, अनिरुद्ध ने लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की है और कुछ घटनाओं के कारण वो वापस हिंदुस्तान आता है, और हिंदुस्तान आने पर देखता है कि कैसे ऊंच नीच की दीवारें हैं, कैसे डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के लिए, कैसे जीवन अलग है आदमियों से, और वो उनके खिलाफ अपने तरीके से आवाज़ उठाता है, और कैसे फिर बौद्धता के आने पर, बौद्धता के अपने सवाल हैं जो बड़े तर्क वाले होते हैं, और अनिरुद्ध ही सवालों का जवाब देता है और उस तर्क से फ़र्क मिटाने की कोशिश है कि कहानी है बैरिस्टर बाबू। मैं एक लड़की हूँ जो बहुत चुलबुली है, शैतान है और डांट खाती है, कुत्ती फानती रहती है, किसी की बात नहीं सुनती है, इसलिए मुझे डांट पड़ती है, और फिर वो बहुत सारे सवाल पूछती है, और जो सवाल मैं पूछती हूँ तो उन सवालों से लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची कैसे सवाल पूछ रही है और इतने सारे सवाल किस लिए पूछ रही है। तो ऐसा ही कैरेक्टर। तो बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहिए, कहा जाता है बच्चे के होने से रौनक बढ़ जाती है, तो कितना मजा आ रहा है आपको उनके साथ शूट? सेट की रौनक बढ़ गई है, मज़ा आता है शूट करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं इतना ही कहना पसंद करूँगा। मुझे परेशान नहीं करती बौद्धता, बौद्धता बड़ी अच्छी लड़की है, वो थोड़ा भी परेशान नहीं करती, ना डांटती है, ना मारती है, ना आँख दिखाती है, इससे ज़्यादा झूठ मैं नहीं बोल सकता। ये मुझे चिढ़ाते हैं ना कि मैं इन्हें परेशान करती, औरत करके और बॉन्ड बेटा। आपको आप बहुत परेशान करते हो भैया? ये मुझे करते हैं, ये चिढ़ाते हैं औरत और बॉन्ड बेटा के नाम से। तो बौद्धता का असली नाम औरा है, तो बस ऐसे ही चिढ़ाने के लिए औरत बोल देते हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं सुना क्योंकि आवाज़ आ रही। पहले कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मैं तो पार कर गया। मैं गाना गाते हुए बोलती हूँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। छोटी सी प्यारी सी पनिशमेंट हो रही है जो अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन के लिए गाना गाती है, वो तुम गा के दिखा दो। ओके,
I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you make me coming for ya. इनोसेंस बनाए रखना चाहिए। क्या मुझे यहाँ आके तो बहुत सारी चीजें मुझे नई सीखने को मिली है, जैसे कि टीम वर्क और मेहनत करना किसी चीज पे। टीम ना हो तो उसके बिना कोई काम नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरा ये आंसर है कि ये भी मुझे हेल्प करते हैं। और मैसेज यही है कि हमारा शो ज़रूर देखिए बैरिस्टर बाबू, सिर्फ कलर्स टीवी पर रोज़ रात 8:30 बजे सोमवार से शुरू हो। बैरिस्टर बाबू, थैंक यू।